हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपना खूब अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो सुबह ये जो रूटीन है ये 6 से 6:15 के बीच की है, और उसके बाद जो फ्रेशन अप होके मैं एक्सरसाइज शुरू कर दिया है मैंने। बिना इस एक्टिविटी के मेरा पूरा दिन ही अधूरा है। जैसे लगता है कि मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है, तो बस 5-10 मिनट का ही कर लेती हूँ तो मुझे अंदर से सुकून मिलता है कि चलो मैंने अपने लिए कुछ तो किया है। वैसे तो सारा दिन हम दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, पर अपने लिए हमें ज़रा सा भी वक्त नहीं मिलता। तो क्यों ना, मतलब जब भी नींद से उठो तो सबसे पहले आप अपने लिए कुछ पल जी लो, अपने लिए कुछ कर लो, जो भी आपको पसंद है वो चीज़ आप कर लो। तो बस 5-10 मिनट का ये एक्सरसाइज करने के बाद जो है मैं लग जाऊंगी अपने डेली के कामों में। तो सबसे पहले तो ये जो आज उठी थी ना सुबह को, तो मुझे ना शोल्डर में और गले के पीछे थोड़ा सा जो है ना पेन हो रहा था, मतलब मूव ही नहीं कर पा रही थी गर्दन को इधर लेफ्ट राइट साइड। कभी कभार हो जाता है, सोने में भी ऐसा हो जाता है, कभी कभार पिल्लो जो हम लोग लेते हैं ना उससे भी हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज से ना वो सारा दर्द, वो पेन जो है धीरे धीरे करके चला जा रहा था, और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है शरीर का पेन, जो रात भर हमें सोते टाइम जो शरीर अकड़ सा जाता है उसके कारण भी जो थोड़ा सा पेन होता है, तो काम वाम करने से, एक्सरसाइज कर लेने से ना बहुत हद तक वो खुद ब खुद रिलीफ हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होना लगता है पूरे बॉडी में। हमारा ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि सोते टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता। और इसीलिए सबसे पहले सुबह उठ के तो पानी पीना चाहिए, उसके बाद फ्रेशन अप होके, उसके बाद थोड़ी देर 5-10 मिनट ही आप एक्सरसाइज कर लो। देखना आपका पूरा दिन जो है बहुत ही अच्छा जाएगा, आपका शरीर ही आपको खुद ही थैंक यू बोलेगा। और इधर कुछ एक्सरसाइज मैं लेग्स की कर रही थी, क्योंकि मुझे अभी लेग्स में थोड़ा बहुत जो है थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब दर्द सा होता है, तो मैं ना थक जा रही थी, मैं ज़्यादा कर भी नहीं पा रही थी। तो बस 50 तक करते करते ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है, तो धीरे धीरे कर इसको हैबिट में लाना होगा मुझे। एक्चुअली ये छूट सा गया ये वाली एक्सरसाइज पैर की जो मैं कर रही थी। तो ये वाली एक्सरसाइज भी अगेन बहुत ही अच्छी है, पूरी बॉडी को फुल स्ट्रेच जो है वो मिल जाता है सर से लेके पांव तक, और बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेच मिलने की वजह से ना बॉडी पूरी तरह से एकदम रिलैक्स हो जाती है। जितनी भी टेंशन होती है बॉडी में ना वो सारी की सारी निकल जाती है इसी एक स्ट्रेच से। बहुत ही ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वाला कुछ भी एक्सरसाइज या योगा मैं नहीं करती हूँ, ऐसा ही करती हूँ। हर एज के लोग इसको आराम से कर सकते हैं, किसी भी आपको जो है सामान की ज़रूरत नहीं है, जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो पर्सनली मैं बोलूँ, मुझे बाहर जाके कोई एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं करता है, ना ही जिम जाने को मन करता है। मुझे बस घर में ही मैं यूट्यूब से कुछ देख लेती हूँ, वहीं से मैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है एक्सरसाइज वगैरह सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं खुद से कर लेती हूँ, देख देख कर ही हो जाता है। आगे की तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अभी तो फ़िलहाल हो जा रहा है। तो ये अगेन ये वाली जो एक्सरसाइज है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारे लेग्स के लिए बहुत ही बढ़िया है, कमर के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो एक आसन से ना आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक आसन कर रहे हो तो आपको एक ही तरह का बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए, योगा के बारे में तो बहुत कुछ लेक्चर हो गया, लेकिन अब चलते हैं हमारे डेली के काम में। तो सबसे पहले तो पूरे घर में अभी मैं झाड़ू लगा दूँगी, तो सबसे पहले जो है ये जो पैर पोछते हैं ना हम लोग, जिससे पैर पोछ के अंदर की तरफ आते हैं, एक्चुअली तो ये बरामदे का एरिया है, तो वहाँ पे भी हम रखते हैं एक पैर पोछने वाला, क्योंकि यहाँ भी जो है धूल कभी कभी आती है ना उड़ के, तो पैर पोछ के हम लोग अंदर आते हैं। और इधर जो है बाथरूम के इधर तो है भी, और दोनों बेडरूम में है। और इधर जो कपड़े आप देख रहे हो ये ना कल रात को मशीन चलाई थी, वॉशिंग मशीन, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी ना, तो बारिश में क्या हुआ था, बाहर रखे हुए थे कपड़े सारे भीग गए थे, तो उसको जो है वॉश करना ज़रूरी था, नहीं तो फिर कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और मैं ना मतलब सारे कपड़े जो जमा करके वॉशिंग मशीन के अंदर में नहीं रखती हूँ, बाहर ही रखती हूँ, वॉशिंग मशीन के अंदर रखना अच्छा नहीं होता है, मशीन भी ख़राब हो जाती है, इससे कपड़े भी जो है ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए वजह से ना कल चलाना पड़ा, वरना तो ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना मतलब आज कल चलाने से हो जाता काम, तो ऐसा हो गया था, इसी वजह से जो है चलाना पड़ गया।
और बारिश तो अभी रोज ही हो रही है और आज भी अच्छी खासी हुई थी बारिश, और फिर धूप भी निकल जाती है और रोड वगैरह में जो भी पानी वगैरह रहते हैं वो सब जो है निकल भी जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो लाइट भी अच्छी खासी बाहर से भी आ रही थी, 7:45 के लगभग का टाइम अभी धीरे धीरे हो रहा है। और इधर पूरे घर में झाड़ू लगाने में थोड़ा सा तो समय लगता ही, एटलीस्ट 10 मिनट तो लग ही जाता है, धीरे धीरे से लगाती हूँ मैं। और इधर मेन डोर के पास जो है सारा कूड़ा निकाल के जो है डस्टबिन में डाल दूँगी, और बाहर भी मेन गेट के यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है, तो वो भी मैं कर दे रही हूँ संग संग। और कल हम लोग बाहर निकले थे घूमने के लिए, तो जो भी खाना मैंने बनाया था ना वो सारा का सारा रखा ही रह गया, फ्रिज में मैंने रख दिया था। तो आज मैंने एकदम आज नॉमिनल खाने बनाऊंगी, एकदम सिंपल सा और फटाफट से, बस सब्जी बनाऊंगी, भाजी बनाऊंगी दो तरह की। दाल तो मेरी बच गई थी, क्या करूँ, इतनी सारी दाल बच गई थी, फेंक भी नहीं सकते, उसको रख दिया मैंने अच्छे से, मैं उसको गर्म कर लूँगी। राइस भी मैंने फ्रिज में रख दिया, उसका मैं ना कुछ फ्राई मतलब उसको प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, गर्मा गर्म खाओ तो, और फीलिंग भी है। इधर मैं नीचे बैठ के लगा रही हूँ आटा, और मैंने भिंडी चढ़ाई हुई है, तो सबसे पहले तो मैं भिंडी कट कर दिया था सुबह में अच्छे से धो के, और कुंदरी को भी ना कट कर दिया था। तो अभी भिंडी बनाने के बाद जो है कुंदरी बना लूँगी, और फिर मैं इधर साइड में रोटी भी फटाफट से बना लूँगी। तो लाइट आप देख सकते हो मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा वाइट वाइट सा हो जा रहा है, बाहर की लाइट भी आती है नहीं इसी वजह से। तो कैमरा और कहीं रखने का मुझे जगह भी नहीं मिलता, एक तो छोटी सी किचन है ना, बहुत दिक्कत हो जाती है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देख सकते हो मतलब लाइट फ्रिक्वेंटली कैसे वाइट सा हो जा रहा है एकदम, मुझे खुद भी देख के बीच बीच में गुस्सा आता है, मतलब अच्छे से मतलब वीडियो भी नहीं हो पा रहा है। तो खैर कोशिश तो मेरी यही रहती है कि आपके पास जो भी वीडियो पहुंचे वो पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो, और तो मेरे हाथ में जितना है मैं उतना कर पा रही हूँ, बाकी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और इधर जो है ना रोटियाँ भी मैंने बनानी स्टार्ट कर दी है, और जो है कुंदरी भी मैंने जो है फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा ये टाइम टेकन है, कुंदरी थोड़ा सा गलने में टाइम लगाती है, तो नमक हल्दी मैंने शुरू में ही डाल दिया ताकि जो है जल्दी से फटाफट से हो जाए। तो ढक कर पका रही थी स्टार्टिंग में, लेकिन अभी मैंने ओपन कर दिया क्योंकि वो फिर ना जल जाती है ज़्यादा देर अगर ढक के पकाओ तो। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगती है, कभी कभार ही बनाती हूँ, घर में किसी को भी पसंद नहीं है, सिर्फ मैं ही खाती हूँ, तो इसीलिए बहुत ही कम बनाना होता है मेरा। और गर्मी मतलब काम करो तो गर्मी तो थोड़ी बहुत लगती ही है, वैसे सताने वाली गर्मी नहीं है बहुत ज़्यादा, ऐसे कि पसीना निकले ऐसा नहीं है, लेकिन गैस के सामने काम करने से थोड़ा बहुत तो पसीना आएगा ही, तो वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अभी ना एकदम सुहाना सा मौसम हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है कि मतलब खाना ना बना पाए या किसी काम में दिक्कत हो। अच्छा कल जो मैंने वीडियो पोस्ट करी थी ना ज्वेलरी से रिलेटेड, तो वो आपने देखी कि नहीं वो वाली वीडियो, अगर नहीं देखी है ना तो ज़रूर से आप देख लेना, क्योंकि कल मैंने ना कुछ कॉस्मेटिक्स क्या क्या मैं रखती हूँ अपने कॉस्मेटिक्स बॉक्स में, तो वो सब मैंने आपसे शेयर किया था। अच्छा बैकग्राउंड से अगर आपको कुछ नॉइज़ वगैरह आ रही हो ना मेरे बैकग्राउंड से, उसके लिए सॉरी हाँ, क्योंकि गाने बज रहे हैं बाहर, अभी दुर्गा पूजा का जैसे टाइम चल रहा है ना अभी, तो 4-5 दिन तक ऐसे ही रहेगा, तो वही तो रिकॉर्डिंग करते समय में ना थोड़ा सा इधर बाहर की तरफ का साउंड आ जाता होगा, तो उसके लिए सॉरी। तो ये तो मेरे हाथ में नहीं है फिलहाल, तो अभी ना मैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद झटपट से जो है अपना ये ओवन वगैरह वो सब क्लीन कर ले रही हूँ, बस गीले कपड़े से पोंछ दे रही हूँ, और उसके बाद जब खाना वाना बन जाएगा तो उसके बाद मैं अच्छे से एक बार और इसको जो है क्लीन कर लूँगी। बर्तन वगैरह तो मैंने अभी तुरंत ही लगे हाथ वॉश कर लिया है, और इधर कुंदरी भी फ्राई हो चुकी है देख सकते हो। तो मुझे तो इतना पसंद है कि मैं ना बस ये मतलब और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये हो गया ना इसी से मेरा लंच हो जाएगा, इतना पसंद है मुझे।
तो फिलहाल ये तो राइस जो है कल रात की जो है ना बच गई थी थोड़ी सी, मैंने फ्रिज में डाल दी। क्या जैसे कि मैंने आपको कहा कल हम लोग बाहर गए थे तो हम लोग बाहर से ही खा के आ गए थे अंदर, तो ये जो राइस है ना बस उसके पहले मैंने थोड़ा सा जीरा डाला था तेल में और एक छोटा सा इसका प्याज कट करके डाल दिया है और कोई मसाले वगैरह नहीं, बस नमक और हल्दी के साथ जो है इसको फ्राई कर लूँगी। गर्मा गर्म बहुत ही अमेजिंग लगता है, एक बार ट्राई करके देखना इस तरह से। अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस है ना तो इस तरह से आप बना सकते हो। इसमें कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। अच्छा, ये जो बेडशीट है अभी के अभी मैंने तुरंत ही जो है लगाई है और सारी पिलोज़ वगैरह अभी से अभी मैंने जो है झाड़ के रख दिए हैं। तो ऊपर जो भी कपड़े वगैरह जो देख रहे हो ना उसको भी मैं वॉश कर लूँगी बस एक दो दिन में ही। और इधर जो है फिर से मैं किचन में आ गई थी और एक सब्ज़ी मुझे बनानी है लंच के पर्पस के लिए, क्योंकि आज वैसे कुछ बनाया नहीं मैंने, बस भाजी ही बनाई है। तो इधर मैंने चाय भी चढ़ा दिया है और इधर आलू और पम्पकिन की सब्ज़ी मैं बनाऊंगी। ये भी बहुत ही अच्छा, मतलब लाजवाब लगता है खाने में, एकदम प्याज लहसुन के बगैर ही ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया लगती है। और जब भी आपको बनाना हो इस तरह से एक बार ट्राई करना, आलू और पम्पकिन को ना अलग अलग फ्राई करना है, बिना नमक हल्दी के मैंने फ्राई किया है। लेकिन जब मैं पम्पकिन को फ्राई कर रही थी ना थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया था, नमक अभी मैंने ऐड नहीं किया, लास्ट में एक ही बार में ऐड करूँगी। तो अगर आप चाहते हो तो शुरू में ही ऐड कर सकते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इसमें जाएगा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने घर का बनाया हुआ बड़ी भी डाल दिया था फ्राई करके, बस एक ही साथ इसमें सारी सब्जियां वगैरह डाल दी हैं। अच्छा, उसके पहले मैंने ना फ़ोरन दिया था, जैसे तेल में 5 फ़ोरन, 1 तेज़पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च तो डाली ही है मैंने, हल्का सा बस चीनी स्प्रिंकल किया है, ऑप्शनल है आप नहीं भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप दोगे ना तो सब्जी का स्वाद बहुत बढ़िया आ जाता है। तो मसालों, धनिया पाउडर तो मैंने ऐड कर ही दिया है जब मैं 5 फ़ोरन डाल रही थी ये सब, और हल्दी पाउडर थोड़ा सा और भी ऐड करा था मैंने। और अभी सब्जी को अच्छे से मैंने जो है भून लिया है मसालों के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, 5-7 मिनट तक ही भूनना है मसालों के साथ, कोई खास ज़्यादा मसाले नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही अमेजिंग लगती है खाने में, एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। बड़ी दे दिया था तो उससे ज़्यादा और भी इसका स्वाद जो निखर गया था। और ना इसमें छोले के साथ भी आप चाहो ना तो बना सकते हो, मेरे पास नहीं थे भीगे हुए छोले, अगर रहते तो छोले के साथ ही मैं बनाती। तो बस नमक भी डाल दिया है और कुछ नहीं, तो थोड़ा सा बॉयल आने का वेट करूँगी और इसको मैंने ढक के रख दिया है। और अभी जो है इधर जो भी छींटे वगैरह पड़ते हैं ना फिर से वो ओवन में मैं फटाफट से भी क्लीन कर लूँगी। तो नहाने जाने से पहले ये सब काम मैं कर लेती हूँ, उसके बाद नहाने आने के बाद जो है दूसरे कामों में मुझे लगना पड़ता है, जैसे कि बेटे को फ्रूट कट करके देना होता है। नहाने आने के बाद पहले तो पूजा करो, फिर फ्रूट कट करके बेटे को दो, उसके बाद फिर उसको थोड़ी देर बाद लंच करवाओ, खुद भी करो, फिर से हो जाते हैं बर्तन, तो वो सब क्लीन करो, उसके बाद हो जाता है मेरा एडिटिंग का टाइम। तो बस ये सब तो जो है टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कैसे दिन से रात, रात से दिन हो जा रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा मुझे। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है अभी, ना ही मेरे व्यूज़ जो है ज़्यादा हैं हो पा रहे हैं, ना ही वॉच टाइम कंप्लीट हो पा रहा है, ना ही सब्सक्राइबर। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी कर दीजिएगा। नज़दीक से देखिए ये सब्ज़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, टेक्स्चर इसका इतना बढ़िया आ रहा है, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी ला रहा था खाने में, और वैसे भी पम्पकिन अच्छी वाली भी थी। एक जो पम्पकिन होती है मीठी बिल्कुल नहीं रहती है, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। पम्पकिन अगर आप थोड़ा सा देख कर अच्छी क्वालिटी का ख़रीदें ना तो सब्ज़ी भी अच्छी बनेगी। इधर मैंने बेटे को खाने के लिए दी थी लेकिन हाफ ही रोटी खाई है, उसने बोल रहा है मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे उसको लग गई है ठंड, तो बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ये सब खाया उसने। तो रात हो गई थी, कल हम लोगों को 10 बज गया था घर आते आते,
तो थोड़ी सी क्लिप मैंने ऐड करी है, लास्ट तक बने रहिएगा ब्लॉग में। और कहाँ कहाँ गए थे हम लोग, कल गए थे न्यू टाउन की तरफ, तो बहुत ही बढ़िया लगा। लेकिन हम वहाँ लोग वहाँ पे सारा जो है पंडाल में नहीं विज़िट कर पाए क्योंकि लेट भी हो रहा था, और वैसे भी हम लोग 7:30 के बाद ही निकले थे ना, तो लेट तो होना ही था, और इसीलिए हम लोग एक ही बार बाहर से ही जो है डिनर करके आए थे। तो ये जो टाइम है, इस समय मेरा नहाना हो गया था, पूजा भी मैंने कर ही लिया है, शैम्पू भी आज मैंने कर ही डाली है, क्योंकि ना हेयर्स मेरे आधे से ज़्यादा हेयर्स ऑयली हो गए थे चिप-चिप से, और अच्छे से हेयर वॉश कर लिया है। और अभी कपड़े मैं फैला दे रही हूँ, अभी जो भी हाथ से मैंने क्लीन किए हैं, 2-4 कपड़े ही मैं जो पहनती हूँ ना रेगुलर में, वो मैं हाथ से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वही आदत बनी हुई है और रखने को भी मन नहीं करता है। अपने पहने हुए कपड़े में खुद ही हाथ से धुल लेती हूँ, तो इधर फटाफट से भी लगा दूँगी। अभी जो है धूप नहीं है बिल्कुल भी, जैसे लग रहा है बारिश आएगी, लेकिन बारिश तो आई ही थी। और इधर ग्रिल में जो मैंने वॉशिंग मशीन में जो धुले हुए कपड़े रखे थे ना, उसको हटा दूँगी। अभी सारे कपड़े अच्छे से मेरे गर्म हो चुके हैं, तो उसको मैं फोल्ड करके अभी लगा दूँगी सबको अपनी जगह पर। बेटे को अभी लंच मैंने दे दिया है, तो अभी लंच करने बैठा ही है, और ज़्यादा उससे खाया नहीं जा रहा है क्योंकि बोल रहे हैं, एक तो ठंड लग जाती है तो वैसे भी नहीं खाया जाता है, अच्छा भी नहीं लगता, तो मैंने भी ज़बरदस्ती नहीं किया ना, ठीक है तुम थोड़ा सा ही खाओ, लेकिन खाओ ज़रूर। और इधर जो है कौन कौन से कपड़े सूख चुके हैं ना, उसको मैं घर में अभी जो है डालती जाऊँगी। और अभी जो मैंने धुला है वो तो अभी सूखने में बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब सारा रात जो है मैं बाहर ही छोड़ दूँगी, सूखता नहीं है। और फिर ना ये बेटे के जो कपड़े ढेर सारे हो जाते हैं ना, इसीलिए, और वॉशिंग मशीन मैंने जो है कल रात को बोला चला देने के लिए, नहीं तो फिर सूखते नहीं हैं कपड़े। तो बस हेयर्स को अभी जो है अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा टप टप करके पानी गिर रहा था हेयर्स से, तो अच्छे से इसको जो है ड्राई कर लूँगी। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ, हाथों से कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे मेरा नहाना पूजा पाठ सब हो गया है, कपड़े जो सूख चुके हैं उसको बस मैं अब समेट लूँगी, और जो जो गीले कपड़े हैं वो अभी बाहर ही रहेंगे। तो मैं बात कर रही हूँ, बैकग्राउंड से आपको ढाक की आवाज़ आती होगी, तो अभी ना हर टाइम दुर्गा पूजा चल रहा है ना, तो इधर हर टाइम मतलब ढाक ही अभी बजेगा, तो बहुत ही अच्छा लगता है इधर। और शाम को हम लोग रोज़े भी निकलते हैं थोड़ा घूमने उमने, तो वो क्लिप मैंने इस वीडियो में भी ऐड कर दी है, आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा। और अभी मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया और कुछ नहीं लगाया, काजल वाजल कुछ भी नहीं है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, और आगे आप ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि कल शाम को जो हम लोग घूमने गए थे ना, वो इसी ब्लॉग में मैंने ऐड कर दिया। अगर पसंद आए ना तो ज़रूर से लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो बाय बाय। तो देख सकते हो आप लोग, न्यू टाउन की तरफ हम लोग गए थे, बहुत ही अच्छा पूजा पंडाल बना था, बिल्कुल बड़े से खुले से मैदान में बोल सकते हो आप लोग, तो बाहर ये सारी डेकोरेशन की गई थी, तो अच्छा लगता है यहाँ का एरिया, एकदम शांत माहौल भी है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहती है, एकदम आराम आराम से देखो और अपना निकलो। तो इधर जो फ़ोटोग्राफ हम लोग क्लिक कर रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छी नहीं आ रही थी फ़ोटो एक भी, मतलब लाइटें ही मतलब ऐसी होती है ना पंडाल के अंदर, अच्छा फ़ोटो नहीं आता, ऐसा तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन फ़ोटो वगैरह के लिए जो है ना वो बड़ी बड़ी लाइट जो बाहर रहती है एक्चुअली गेट के बाहर, तो वहाँ पर जो है अच्छी आती है फ़ोटो। तो अंदर आप देख सकते हो कितनी बारीकी से जो है काम किया गया है, और ये सारे हॉर्स बनाए गए हैं छोटे से बड़े साइज़ के, माँ दुर्गा का भी पिक्चर आप तुम देख सकते हो इधर, तो बहुत ही बढ़िया मतलब कलाकारी की गई थी। और इधर आप देख सकते हो पंडाल के अंदर का ही है ये सारा, तो ये कॉटेज एक तरह का कॉटेज जैसा लग रहा था देखने में, तो उसी को अच्छे से जो है डेकोरेट किया गया है देख सकते हो। और बेटे को पीना था कोल्ड ड्रिंक, तो मैंने बोला कि तुम पी लो तुमको जो पसंद है, और इधर वो थोड़े सा मस्ती करेगा अभी, रन इधर करेगा, और मुझे भी बोल रहा था मम्मा तुम भी करो मेरे साथ, तो बस मैं तो वॉक कर रही थी, और मुझे तो वॉक करना अच्छा लगता ही है, और न्यू टाउन एरिया आओ तो यहाँ पे वॉक करने का अलग ही एक मज़ा
आता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बिल्कुल भी आपको पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, साफ़ सुथरा सा जगह है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, बड़ों के लिए भी अच्छा है। पार्क सिस्टम बहुत, मतलब आप अपना बैठो आराम से यहाँ पे, मतलब यहाँ पे घंटों हम लोग आते तो बैठे रहते, बहुत ही अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करने के लिए, बहुत ही बढ़िया जगह है ये। तो अब अगर आप लोग कोलकाता से हो ना, एक बार ज़रूर न्यू टाउन विज़िट करना, और अभी पूजा के टाइम में आना ज़रूर यहाँ पे, ऑर्केस्ट्रा वगैरह ये सब कुछ जो है यहाँ पे देख सकते हो। अब कितनी भीड़ लगी हुई है, वो सब लाए हुए थे ऑर्केस्ट्रा वाले।